कुबरा ब्यूटीफुल मी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश भी होंगे। आज का जो मेरा छोटा सा ये व्लॉग है, ये बच्चों से स्टार्ट होगा और बच्चों पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ब्रेकफास्ट करने के फ़ौरन बाद बच्चों ने ये पज़ल के जो पीसीस हैं ये ड्रॉ से निकालनी है, स्पेशली कुबरा एंड रानिया। और ये सारे पीसीस सारा दिन हमारे घर में घूमते रहते हैं, जो भी इनको ड्रॉ में रखेगा ये ड्रॉ में दोबारा नज़र नहीं आएंगे, दोबारा से आपको बाहर बिखरे नज़र आएंगे। तो सारा दिन इसी तरह बच्चों के साथ गुजर जाता है। और ये कुबरा की कज़न्स हैं दोनों, कंजा एंड रानिया। जब ये तीनों इकट्ठी हो जाएं तो फिर इनको कोई भी किसी चीज़ से नहीं रोक सकता, इन्होंने किसी की नहीं सुननी होती। या तो इनको टैब चाहिए, या तो इनको टॉयस चाहिए बिखेरने के लिए, और रनिंग के लिए जगह चाहिए। और ये कुबरा के हाथ में अब एक स्टिक आ गई है जो बलून के नीचे लगी हुई थी, और इसने अभी सारा दिन इसके साथ घूमते रहना है। बच्चों के साथ सारा दिन पता ही नहीं चलता कि कहाँ सुबह हुई और कहाँ शाम होगी। कभी टॉयस बिखेरना, कभी बच्चों को नहलाना धुलाना साफ़ सुथरा रखना, इसी तरह सारा दिन हमारा गुजर जाता है बच्चों के साथ। मेरी तो एक ही बेटी है, और जो एक ही बेटी है ना मेरी, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। इसके सारा दिन मैं इसके पीछे पीछे भागती रहती हूँ, कभी इसको खाना खिलाने में, कभी इसको खिलाने में, कभी इसने टैब देखना होता है, कभी इसने शावर लेना होता है। टाइम टू टाइम इसको सब कुछ चाहिए होता है, और जहाँ पर मैं इसकी ना सुनूँ तो ये रोना धोना ज़िद करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जब कुबरा की कज़न्स आई होती हैं तब इसको कोई नहीं पता होता कि मैंने क्या खाना है और क्या पहना है या मेरे शावर का टाइम क्या है। तो उनके साथ बहुत बिजी रहती है, उनके साथ अटैच भी बहुत ज़्यादा है। बस एक पज़ल के जो पीसीज हैं ये टेबल से ज़मीन पे आ गए हैं, थोड़ी देर बाद ये ज़मीन से वही टेरिस पे चले जाएंगे, और फिर मामा इसको फिर इकट्ठा करने लग जाएगी, और कुबरा फिर कुछ और निकाल लाएगी। बच्चों के साथ मिलके इसी तरह इसका सारा दिन गुजर जाता है। इतने देर में हमारी हेल्पर आ जाती है, तो एक दफ़ा तो वो उठा जाती है, लेकिन सुबह और रात को मुझे ही उठाने पड़ते हैं। तो उसके बाद कुबरा को ज़मीन पर बैठ के खेलना उफलना बहुत पसंद है, और एक जूता ना पहना, शूज़ नहीं पहनती पैरों में, और सारा दिन नंगे पाँव घूमती रहती है। जहाँ मैं शूज़ पहना दूँ उसको आवाज़ आ रही स्टार्ट हो जाती है, इरीटेट हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसी तरह मैं और कुबरा अपना ज़्यादा टाइम अपना घर में गुजारते हैं, और यहाँ कभी टेरिस पे चले गए या नीचे दरवाजे पे चले गए गेट में, तो कुबरा से ज़रा खुश हो जाती है। बाहर हम बहुत कम जाते हैं, और माशाल्लाह कुबरा की 5 खाला हैं, कभी कोई बुला लेती है और कभी कोई बुला लेती है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैं कुबरा की जो डेली रूटीन है आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैं एक ऐसा व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी जिसमें कुबरा की डेली रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन जो लोग यही कहते हैं कि मैं अपनी बेबी को कोई खास किस्म का स्पेसिफिक फूड देती हूँ जिससे ये हेल्थी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसको सिर्फ जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए मैं इसको वही देती हूँ। उसमें बनाना मैं स्पेशल इसको देती हूँ, फ्राइज ये खाती है, खिचड़ी खाती है, साबुदाने की खीर खाती है, और एक अंडा मैं इसको डेली लास्ट में नाश्ते में देती हूँ। इसके अलावा मैं कुबरा को अपने साथ इंगेज रखने के लिए मैं डेली इसको थोड़ी देर पढ़ाती भी हूँ, जिसमें मेरी बेटी ने माशाल्लाह से रेकनाइजेशन कर लिया, 1 to 10 A to Z की रेकनाइजेशन कर लिया है, कलर रेकनाइजेशन करनी है। माशाल्लाह अभी 2 ईयर्स की है, कोई यकीन ही नहीं करता कि इसको इतनी जल्दी रेकनाइजेशन हो गई है A to Z की और नंबरिंग की। तो इसके अलावा कुबरा को पार्ट्स ऑफ बॉडी सारे आते हैं, और लेकिन मामा इसने अभी तक नहीं बोला, पापा बोलती है और छोटे छोटे वर्ड्स और बोलती है जो मैं इसको बताती हूँ। ये सब कुछ मैं कुबरा को अपने साथ इंगेज रखने के लिए करती हूँ। अगर मैं ये सब ना करूँ तो फिर इसको कोकोमेलन याद आ जाता है, और उसके बाद उसको डिस्पेंसर याद आ जाता है जिससे ये प्रेस करके पानी निकालती रहती है और मैं साफ़ करती रहती हूँ, या फिर वो टॉयस पर खेलना। और कुबरा को ना हर वीक में एक टॉय न्यू लाजमी चाहिए होता है। एक टॉय इसने ले लिया, घर आके इसको खोला और तब की उसके साथ खेली, और फिर इसको फेंक दिया, और दोबारा जो मर्जी कर लो इसने वो टॉय ना उससे खेलना नहीं है। मैं इसको बड़ी दफ़ा ही कोशिश करती हूँ कि इसकी आदत ख़त्म हो जाए, लेकिन इसमें से ये हैबिट ख़त्म ही नहीं होती है। और यहाँ पर कुबरा जो है उसका मूड ऑफ हो रहा था, तो मैंने इसको कहा वो टेरिस पर चलते हैं, तो कुबरा फ़ौरन से खड़ी हो गई कि मामा मुझे टेरिस में लेके जाएंगी। तो यहाँ से मैं कह रही शूज़ पहन लो, उसने मुश्किल से शूज़ पहने और अपनी कज़न की गोद में आ गई। इसकी कज़न को ना इसको ऐसे करना बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया, देखें बाहर आके कितनी खुश हो गई। और यहाँ पे कभी साइकिल पे बैठेगी, कभी बॉल के साथ खेलेगी, और बॉल से खेलना इसको बहुत पसंद है, बॉल को थ्रो करना, बॉल को उछालना, और इसके साथ खेलती रहेगी। उसको बॉल चाहिए और साइकिल चाहिए बस, साइकिल भी खुद नहीं चलानी, अपनी कज़न के पीछे बैठ जाना है और कहना चलाओ इसको। जितनी देर इन्होंने एक बाइट खेलना है तो मैंने भी पास चेयर रखे सुकून से बैठ जाना है कि बच्चे ना सीढ़ियों की तरफ ना जाएं। जो कुबरा है ना ये नहीं देखती कि आगे क्या है, बस भागे चली जाती है। और जो बच्चे आपको नज़र आ रहे ना ये भी बहुत शरारती हैं, और ये भागती है कि मेरे पीछे भागेगी, और वाकई वो उसके पीछे भागती है, और इसको बहुत मज़ा आता है। बच्चे जो हैं बच्चों के साथ ही ज़्यादा खुश रहते हैं। बस मेरे लिए सबसे मुश्किल काम यह है कि मैं कुबरा के मूड को कितना स्टेबल रखूं, क्योंकि अभी वो सही तरह से बोलना नहीं स्टार्ट हुई है, मुझे बताती नहीं है कि उसको क्या हुआ है या उसको क्या चाहिए, तो वो रोना स्टार्ट कर देती है जब उसकी बात ना माननी चाहिए या उसको वो चीज़ ना मिले जब वो मुझसे कह रही है। तो इस चीज़ में मुझे ज़्यादा मसला होता है, लेकिन ये भी 2 या 3 मंथ्स की बात है मेरी। इसके साथ ही हम आज की बातें अपनी यहीं पर ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये कुबरा का छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी लाजमी करें। हमें आप लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि ये चैनल मैंने अपने आप को और कुबरा को सपोर्ट करने के लिए ही बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि कुबरा का आज का व्लॉग भी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में मज़े मज़े की बातों के साथ। और मुझे कुबरा को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।